वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बेस्ट टेक्निक बताएंगे, डिसीज को कम करने के लिए बेस्ट मेडिसिन के बारे में बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया फीवर या मलेरिया डिसीज, इसके सिम्टम्स के बारे में बताएंगे और इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, मलेरिया फीवर को कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे, मलेरिया फीवर के लिए बेस्ट मेडिसिन के बारे में बताएंगे और इसके लिए क्या प्रिवेंशन करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे, और मलेरिया फीवर हमें है या नहीं है इसके बारे में 100% पता करने के लिए किस टेस्ट का यूज कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। इसलिए वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सबको पता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया फीवर या मलेरिया डिसीज होता है, पर आपको ये पता नहीं होगा कि जो मच्छर काटता है वो फीमेल मॉस्किटो मच्छर होता है, जिसके कारण हमें या हमारे फैमिली में किसी पर्सन को मलेरिया होता है। वो मच्छर शाम के टाइम बहुत अधिक काटता है, जिसके कारण हमारे को या हमारे फैमिली में मच्छर के काटने से क्या होता है। पर मलेरिया 4 टाइप के होते हैं, हम इस वीडियो में 2 ही टाइप के बारे में बताएंगे जो बहुत अधिक या बहुत मोस्टली व्यक्तियों को होता है। फर्स्ट है प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन, सेकेंड है फर्सीपेरम मलेरिया। ये 2 टाइप के मलेरिया इंडिया में बहुत अधिक व्यक्तियों को होता है। मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में बता देंगे। आप सबको पता है कि मलेरिया के कारण हमें हाई फीवर, सिर दर्द देना, वोमिटिंग की समस्या होना, अपचन की समस्या होना, या मांसपेशियों में दर्द देना, या जोड़ों जोड़ों में दर्द देना, या अपचन की समस्या होना, या यूरिन जाने के टाइम जलन देना, या यूरिन में पीलापन होना, या बॉडी में वाटर की डिफिशेंसी होना, या हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, या अचानक से कम होना, या अचानक से बढ़ना, ये समस्या होती रहती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आज बुखार है फिर कल ना हो, फिर परसों हो, फिर ऐसा होते रहता है, या 2 दिन बुखार रहेगा 1 दिन छोड़ देगा, ऐसा नॉर्मली चलते रहता है मलेरिया फीवर के टाइम। ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं मलेरिया के। हमारे बॉडी में ये सब सिम्टम दिख रहे हैं जब भी 100% नहीं है कि हमें मलेरिया फीवर है या मलेरिया डिसीज हुआ है। इसके लिए हमें ब्लड टेस्ट कराना होता है। इस ब्लड टेस्ट का नाम है, या हमें मलेरिया फीवर 100% है या नहीं है इसको पता लगाने के लिए हमें एक टेस्ट कराना होता है। इस टेस्ट का नाम है मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में मलेरिया कितने सिम्टम्स है या हमारे बॉडी में मलेरिया ने कितना इन्फेक्शन किया है, इस टेस्ट से ये पता चलता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने के कारण ये मलेरिया टेस्ट से हमें ये पता नहीं चलता कि हमें मलेरिया है या नहीं है। इसके कारण आप हमेशा कोई टेस्ट कराने जा रहे हैं तो कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन न खाएं 2 या 3 दिन पहले। मलेरिया डिसीज ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं, ओरल थेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं इस वीडियो में। आपको वीडियो नॉलेजेबल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन या मलेरिया डिसीज के ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। इस डिसीज के ट्रीटमेंट क्लोरोफिल फास्फेट टेबलेट 500 mg टेबलेट से ट्रीट किया जाता है। इसके डोज के बारे में बताते हैं। इसके 24 आवर्स में सुबह शाम एक एक मेडिसिन लेते हैं, फिर उसके दूसरे दिन एक मेडिसिन लिया जाता है, फिर उसके दूसरे दिन और एक मेडिसिन लिया जाता है, इसके साथ और एक मेडिसिन लिया जाता है। इस मेडिसिन का नाम है प्रेमाक्यून 15 mg टेबलेट। इस मेडिसिन को 24 आवर्स में एक मेडिसिन लिया जाता है। इस मेडिसिन को कंटिन्यू 10 दिन तक लिया जाता है। फैल्सीपेरम मलेरिया डिसीज इसके बारे में बताते हैं। इसका ट्रीटमेंट ओरल थेरेपी ट्रीटमेंट, इसके लिए बेस्ट मेडिसिन के बारे में बताते हैं। इस मेडिसिन का नाम है लूमेलॉक्स 80 टेबलेट। इस मेडिसिन के डोज के बारे में बताते हैं। 24 आवर्स में सुबह शाम एक एक मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद दूसरे दिन 24 आवर्स में एक मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद और एक मेडिसिन लिया जाता है। इसके साथ एक मेडिसिन कंबाइन लेना होता है। इस मेडिसिन का नाम है पेराक्सिन टेबलेट। इस मेडिसिन को 24 आवर्स में एक मेडिसिन लिया जाता है, कंटिन्यूसली 10 दिन तक लिया जाता है। मलेरिया के साथ में आपको बहुत अधिक फीवर हो, जब उसे कम करने के लिए पैरासिटामोल 500 mg टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं, और आपकी बॉडी में वोमिटिंग, बेचैनी या अपचन की समस्या हो रही तो पेंटाडीएसएल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं, और आपको कमजोरी, थकान ऐसी समस्या हो रही तो आप एनर्जी ड्रिंक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ORS या ग्लूकोन-डी या इलेक्ट्रॉल जैसे एनर्जी ड्रिंक का यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और मेंटेन रहेगी। इस वीडियो में जो भी मेडिसिन के बारे में बताया गया है उन मेडिसिन का यूज़ आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही करें, इसके कारण आप और आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी। और प्रेग्नेंट फीमेल या न्यूबॉर्न बेबी फीमेल या न्यू यानी बच्चे अपने डॉक्टर के एडवाइस से ही मेडिसिन का यूज़ करें। मलेरिया फीवर के टाइम आपको क्या सावधानी या क्या प्रिवेंशन रखना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। आपको पूरे कपड़े पहनना चाहिए, या शाम के टाइम बहुत अधिक मलेरिया के मच्छर शाम के 6 बजे के बाद ही आपको बहुत अधिक काटते हैं, इसलिए आप शाम के टाइम फुल कपड़े पहने और मच्छर जाने का यूज़ करें, और आप अपने आसपास सफाई रखें, और आपके आसपास या तालाब हो उसमें पानी इकट्ठा है तो उसमें गंदगी ना होने दें, जिसके कारण वहाँ पे एक मच्छर ना पनपेंगे, या आपके कूलर पंखा कूलर में हो पानी इकट्ठा हो उसे बाहर फेंक दें, या उसमें कोई एंटीबायोटिक कोई ऐसी चीज डाल दें जहाँ वहाँ से मच्छर मर जाए। ये वीडियो आप सबको नॉलेजेबल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माई फ्रेंड।